अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल रेसिपी बनाने वाले हैं अंडा मसाला की, जो कि बहुत ही इजीली बन जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने हाफ बॉल ऑयल डाल दिया है पैन में। दो बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे, उनको इस तरह से चॉप कर लिया है। अगर आपके पास छोटे प्याज हों तो आप तीन भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज को लाइट गोल्डन होने तक के लिए पका लेंगे। आज की जो अंडा मसाला की रेसिपी है ये इंडियन स्टाइल है। इंडियन स्ट्रीट फूड पे इस तरह के अंडा मसाला मिलता है। आज हम उस तरह से अंडा मसाला बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़े का है। जैसे ही प्याज गोल्डन होना स्टार्ट होगा तो हम इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। एक बड़ी कटी हुई हरी मिर्च मेरे पास, वो भी यहाँ पर शामिल कर देंगे। बेसिकली जो इंडियन स्ट्रीट्स में बनता है वो तवे पे बनाते हैं और उनका तवा बहुत बड़े साइज़ का होता है। मेरे पास अब वो था नहीं तो इसलिए मैं इसको पैन में बना रही हूँ। मेरे पास 2 टमाटर थे, उनको मैंने शेक कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप चॉप्ड प्याज टमाटर डालना चाहें तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। जो मसाले इसमें जाएंगे वो है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून काली मिर्च है और 1 टीस्पून ही सॉल्ट है। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विक है। घर पे मौजूद आप तमाम चीज़ों से बना सकते हैं। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो घर पर अवेलेबल ना हो। दो से तीन मिनट के लिए मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। इस स्टेज पे थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि एक अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। ये देखिए जी, बेहतरीन सा मसाला बनके तैयार है। अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे 5 अंडे यूज़ कर रही हूँ। मैंने अंडों को अच्छी तरह से फेंट लिया है, अब हम इसमें शामिल करेंगे। काफ़ी हद तक ये पकना शुरू हो गया है, तब हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जो बाकी का है वो भी पके नीचे से। ये आप देख सकते हैं कि अंडे पक गए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाले और अंडे अच्छी तरह से एक जान हो जाएं। ये देखिए, साथ साथ अंडों को तोड़ लेंगे। ये देखिए, अब इसको 2 से 3 मिनट सिर्फ पकाएंगे ताकि अंडों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। ये देखिए, मैंने इसको कवर करके 2 से 3 मिनट पका लिया है और बेहतरीन अंडा मसाला बनके तैयार है। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया जो कि इसके टेस्ट को डबल कर देगा, और साथ ही एक बड़ी कटी हुई हरी मिर्च इसमें डाल देंगे। डू ट्राई दिस रेसिपी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।